साथ देंगे। आपकी खामोशी कहीं ना कहीं क्या साहब साथ दे रहे, हाथ लगा के बोलिए साथ देंगे। पूरे लोग हिम्मत से बढ़ो, मैं आगे आपका भाई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया। बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना चाहिए, ये हक बात है। बीजेपी के खिलाफ आपका ये भाई लड़ रहा है, जब तक जिंदा है उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ये आपके बीच में मैं अल्लाह के घर के बाहर आकर के वादा कर रहा हूँ। कोई सोचने की समझने की जरूरत नहीं, हमको अपने सफों में इत्तेहाद को कायम करना है। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराना है तो जो आदमी उसके खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ देना है। इतनी ही गुजारिश करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ के लिए और इजाजत लेने के लिए आए हैं। आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर आने वाले 2 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसी के ज़िमन में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है कि हम जुमा की नमाज़ मस्जिद में अदा करके वहाँ के मुसलियान से मुलाकात करके उनसे इजाज़त लेने के लिए मौजूद हैं। हमारा मकसद, नासिर उस्ताद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूदा हालात जो सियासी हैं उसके ताल्लुक़ से आपको वाकिफ़ करवा कर आप लोगों को इस बात के लिए हम लोग बताना चाहते हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, गुज़िश्ता 4 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं वो बहुत ही मुश्किल तरीन हालात हैं हमारी उम्मत के लिए। आप लोग देखे हैं कि शहरियत का जब मामला उठा, यानी कि CAA NRC का मामला उठा, तो उस वक्त किस तरीके से नासिर हुसैन उस्ताद साहब तमाम तर लीडर्स की क़यादत करते हुए और उम्मत के तमाम तर उस वक्त जो मौजूद थे 1 से 1.5 लाख के मजमे को लेकर कर्फ्यू के हालत में भी एक बड़ा एहतजाज और कामयाब तरीन एहतजाज मुनक़िद किए और उसका नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक अजीम तरीन जो एहतजाज था वो दर्ज हुआ CAA NRC के ख़िलाफ़। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के हालात को देखते हुए हुकूमत को पीछे हटना पड़ा CAA NRC को नाफिस करने के लिए और अभी तक भी सेंसस भी नहीं हुआ है। अगर सेंसस को नाफिस करने की बात हो जाएगी तो फिर एक बार NRC और CAA का मामला सामने दरपेश आएगा। इसके बाद हमने देखा है कि अलंद के हालात के नतीजे में जो दरगाह के अंदर हज़रत लाडले मशाख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के अहाते के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर पूजा करवाई गई और उसके नतीजे में जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनको छुड़ाने में और बिलखसूस ख़वातीन जो मौजूद थे उनको छुड़ाने में भी अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने बड़ा ही कलीदी रोल अपनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको छुड़ा भी लिया। वहीं हुबली के नौजवान आज भी गुलबर्गा के एक जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक मजबूत क़यादत नहीं है जो उन लोगों के लिए फ़िक्र कर सके और उन लोगों को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर सके। फिर हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर शरीयत का मामला आता है शरीयत के मामले में भी मुदाखलत हो रही है। हिजाब का मामला मुसलसल चल रहा है और कल ही के रोज़ हमने देखा है कि बच्चियां किस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स के पास जाकर, हमारी घरों की बच्चियां जब पढ़ना और तालीम हासिल करना चाहती हैं प्रिंसिपल से गुजारिश कर रही हैं कि हिजाब में उन्हें इजाज़त दी जाए एग्ज़ाम देने की, तो उन्हें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है इजाज़त नहीं मिल पा रही है। एक मामूली सा मामला था वो वहीं का वहीं ख़त्म हो सकता था लेकिन हमारे कायदीन जब असेंबली में जाते हैं तो असेंबली के अंदर जब हमारी मिल्लत के ताल्लुक से बात नहीं करते हैं तो नतीजा ये होता है कि हमारी ख़वातीन को भी मुश्किलात दरपेश आते हैं, हमारे नौजवान को भी मुश्किलात दरपेश आते हैं। अगर सिर्फ ये कह देते वो लोग, हमारे जो 7 MLA हैं, हमारे MLA अगर ये कह देते कि हमारे असेंबली में बात करके ये कह देते कि यूनिफॉर्म का हिजाब को हिस्सा बना दिया जाए वो भी काफ़ी था, लेकिन क्योंकि उनके आला कमान ने ये कह दिया कि उनको ये बात खत्म ही नहीं करनी है हिजाब के ताल्लुक से, वो लोग खामोश रहे। और नासिर हुसैन उस्ताद साहब मुसलसल इस ताल्लुक से बात करते आए हैं। ये तमाम तर जो मामला चल रहे हैं इसके अंदर हमें आज के हालात में हैदराबाद कर्नाटक के इलाके के अंदर एक मजबूत क़यादत की बहुत सख्त ज़रूरत है। पूरे इलाके में कोई ऐसा मुस्लिम लीडर मौजूद नहीं है जो मिल्लत की बात करे और हमारे शहर में एक मजबूत क़यादत बन सकती है नासिर हुसैन उस्ताद साहब की शक्ल में अगर आप लोग उनको असेंबली में पहुंचाते हैं। यही तमाम तर गुजारिशात लेकर आपके बीच में नासिर उस्ताद साहब आए हैं और इजाज़त तलब करने के लिए आए हैं, आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं। आपके बीच में आया हूं, मैं आपके बीच में 2 इलेक्शन इससे पहले भी आया था, 2 इलेक्शनों में मेरी शिकस्त हुई है मगर मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। गुज़िश्ता 5 साल के माहौल आपने देखा है, महसूस किया है,
किस तरीके से मिल्लत पर मुसलसल तौर पर अटैक्स हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो शरीयत को लेकर, चाहे वो हमारे हिंदुस्तानी के होने पर लेकर, हमारी बच्चियों के लिबास को लेकर हिजाब का मामला हो, चाहे वो अजान का मामला हो, मुसलसल तौर पर मिल्लत के दुश्मन मिल्लत के सामने चैलेंजेस लेते आए हैं। एक तरफ मैं हारने के बावजूद आपके बीच में हर मसले को लेकर के आपकी आवाज़ बन के खड़ा हुआ हूँ, और एक तरफ जो जीते हैं उनकी खामोशी को भी आप लोग महसूस कर रहे हैं। अभी बहुत सारे मसाइल और आगे हैं और चैलेंजेस आगे हैं। मैं आपसे पूछने आया हूँ, आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। आप अगर महसूस करते हैं कि आपका ये भाई आपकी आवाज़ बन सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जज्बातों को असेंबली के ऐवान मर जो मिल्लत के दुश्मन हैं उनके आंख में आंख मिला करके उनका मुंह तोड़ जवाब दूं, तो आप मुझे साथ देने का अगर वायदा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा हूं आपकी आवाज़ बनकर खड़ा रहूंगा, आपके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, कोई मिल्लत के खिलाफ उठने वाली उंगली को जो है खामोशी से बख्श नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह उनका सबका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहे हैं, आगे भाइयों की तरह रहेंगे। मुसलमान दोहरा शहरी नहीं है, इस बात को कहते हुए क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं दो ही बात कह करके आपकी इजाज़त तलब करने के लिए मैं आया हूँ। बोलिए क्या करना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहिए कि खामोश रहना चाहिए? वादा है आप लोगों का, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग की खामोशी ऐसे ताकतों को मौका दे रही है, वो आकर के आपको सीट बचाने का बात करते हैं, बीजेपी के नाम से डराते हैं, भाई नासिर को वोट डाले तो बीजेपी जीतती बोलते हैं, और वो इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग खामोश पाँच साल मुसलसल बैठते हैं, मिल्लत के लिए कभी बाहर नहीं आते। मिल्लत के लिए लड़ने वाले का साथ देना चाहिए कि बीजेपी के नाम से डराने वाले का साथ देना चाहिए? किसका साथ देना चाहिए बोलिए आप? जो 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 शख्स आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ देना है कि पाँच साल में एक बार आकर के बीजेपी के नाम से डराने वाले का साथ देना है? बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना चाहिए, ये हक बात है। बीजेपी के खिलाफ आपका ये भाई लड़ रहा है, जब तक जिंदा है उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ता रहूंगा, ये आपके बीच में मैं अल्लाह के घर के बाहर आकर के वादा कर रहा हूँ। कोई सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, हमको अपने सफों में इत्तेहाद को कायम करना है, इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराना है, तो जो आदमी उसके खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ देना है। इतनी ही गुजारिश करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप तमाम लोगों का वायदा है साथ देंगे? आपकी खामोशी कहीं ना कहीं क्या साहब साथ दे रहे, हाथ लगा के बोलिए साथ देंगे पूरे लोग, हिम्मत से बढ़ूंगे आगे। आपका भाई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया। आप एक ग्रुप बना लो अपना और वोटर लिस्ट सबसे पहले अहम है, हमको जमीनी काम करना है और अच्छा काम करना है तो ये तमाशे करने से बेहतर वोटर पूरे वोटर लिस्ट देखना और हर एक को पास पहुंचना, हर एक को कन्विंस करना, ये मेन चीज है। आप आधे कनीस आदमी गए, आधे इलियास को गए, आधे गए तो नहीं आते, वो चंदू पाटिल आता। हमको पूरे महलों से, हम जैसा यहाँ ऐसे याद करते हैं, ऐसे बुलंद प्रवास में अमर कार्य में हर महल में सभी लोग मुस्तैद हो के एकजुट हो गए, अगर वोट दिए तो हिसाब आता है, ये हिसाब आए तो फिर हमारे जाके ये हम हमारे महल्ले में करेंगे, हर महल्ले में ये हालत होना चाहिए, जरूरत है इस वक्त मिल्लत। यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है, अगर मैडम हो जैसे हमर रहता तो हम बीच में नहीं आते थे, इनको नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते, बिल्कुल सही बात है। अब हमर रही है, अब मैडम में उसकी जरूरत या उसकी ये पाँच साल में इलेक्शन हुआ जीते करे बातचीत कम हो गई, इस वक्त गुलवरी को एक अच्छी क्यादत की जरूरत है, मुझे पावरफुल क्यादत। और मैं अभी भी बोलूँगी इलियास साहब को कहना नहीं आती इंग्लिश में, मैडम स्पीकिंग नहीं कर सकते, ये सब इंजीनियर है, कहना और इंग्लिश हिंदी सभी आती है, असेंबली में इसकी आवाज़ की अहमियत है, अगर ये असेंबली को हम भेजें जिससे आप किसी और को भेजेंगे, इलियास साहब कुछ नहीं कर, मैंने कुछ नहीं कर, पैसा है उनके पास, उनको शौक है, यहाँ शौक नहीं है, यहाँ हमारी खिदमत के लिए तैयार और इनका इनके कैरियर उड़ा के देखिए, वो संभाले जब से एक लीडरशिप पीस में आए और बेदाग है, किसी के सस्पेक्टिक है क्या कैसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके लिए खिदमत कर रहे हैं, आप इनकी खिदमत को पहले आगे बढ़ाओ और उससे खिदमत करो, आप अपने मिलने वालों में पहुँचो, जो आप एम एस की मिल में रहती है या रोजे में रहते हैं उधर रहते हैं, सभी को पहुँचाना,
हमको एक आदमी को सिलेक्ट करने के लिए सभी लोग मुतैद होना गुजरात में, ये महिला मुतैद हो गया, वो मुतैद हो गया, तो आधे इधर बैठे आधे उधर चंद्र बटे वापस मोहम्मद इलियास से दिए वो, क्योंकि बाद लोग क्या है ब्लैंड इलियास में दे रहे हैं, बाद लोग वो एक हमारे पास उन्होंने भी आ गए हैं टूपी वाले आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी रिक्शे वाले ड्राइवरों ने उन्हें भी लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग मुतैद हो गए एक आदमी को, सभी लोग ये इतिहास जो है सभी लोग मिलकर करना कि हमको उस्ताद को लाना है, ये मेरे तरफ से नहीं, मैं ये बोलता ही अच्छा है, आप भी कन चेक कीजिए इनको है तो अभी आ जाइए, एक आदमी को ज्वाइन करके अपने वोट को नुकसान मत पहुँचाओ, अपनी ख्यादत की आवाज़ बुलंद। मैं एक आपके जरिए अपील करता हूँ, मैं दो इलेक्शन हारा हूँ, बहुत सारे लोग मेरा साथ दिए हैं, दिन रात काम किए, बहुत सारे लोग मेरे मुखालिफत भी किए इलेक्शन, मगर अल्लाह की कसम मेरे दिल में किसी के लिए एक पैसे की नफरत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, हार जीत सियासत में लगते रहते। दूसरे पार्टी के अगर कोई है तो उनको दावत दीजिए, मैं दावत दे रहा हूँ, ओपन दावत दे रहा हूँ, आप आइए, आज वक्त की ज़रूरत है, हम तमाम लोगों को एक होना है। मेरे दिमाग में आ रहे उन्होंने पुराना मेरा साथ नहीं दिए, ये नहीं दिए, मैं एक पैसा मैं दिमाग में पकड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, भूल के उसी मोहब्बत के साथ पहले से जो साथ में है उनके भी उतनी मोहब्बत, जो नए तरीके से मेरे साथ जुड़ने वाले उनके लिए भी उतनी मोहब्बत। मैं जो अरे मेरे साथ जो पुराने गाय हैं इन्होंने हैं ऐसा नहीं है, आज वक्त सियासत नहीं है, आज मिल्लत के लिए बहुत बड़े सवाल आते हैं, इन सवाल को एक होकर हमको लड़ना है, इसीलिए हम जो है खुले दामन से सब कुछ दावत दे रहे हैं, जो भी हमारे साथ पहले तेज छोड़ के गए हैं, जो पहले से ही हमारे खिलाफ हैं, अरे नासिर भाई क्या समझेंगे, नासिर भाई कुछ भी नहीं समझते, नासिर भाई आपको भाई समझते हैं, आपके लिए जो है मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, मेरे दिल का दरवाज़ा खुला है, कसम से मैं आपके बारे में किसी के बारे में मेरे दिल के अंदर एक पैसे का मैल भी नहीं है, किसी से नफरत नहीं करने वाला हूँ, गैर ज़रूरी आप ये सोचेंगे अरे भाई नासिर भाई आप गए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करते नासिर, नासिर भाई के लिए इलेक्शन नासिर उस्ताद का नहीं है, ये इलेक्शन मिल्लत का इलेक्शन, सब लोगों को वेलकम, सब जो भी आना चाह रहे हैं हमारी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस में रहने वाले हो, MIM में रहने वाले हो, SDPI में रहने वाले हो, BJP गए हो, जो भी है सब लोगों को दावत है, सब लोग आ करके मिल्लत को जो है इत्तेहाद करने का काम करेंगे, एक सही जो है रहनुमाई देने का है, शहर के अंदर एक आवाज़ को जो है तैयार करने का है, बहुत से मसाइल हैं जिनके खिलाफ हमको एक होकर लड़ना है, इस बात के ऊपर जो है मैं कहना शुक्रिया।